जय श्री कृष्ण। आज हम इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित MCQ करने वाले हैं दोस्तों। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। और यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस वीडियो का टॉपिक है वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, इससे संबंधित MCQ करने वाले हैं दोस्तों हम लोग। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है ए नंबर केवल माता से, बी नंबर देखते हैं सिर्फ पिता से, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों से, या और डी दिया हुआ है माता पिता एवं उनके पूर्वजों से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, यदि आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इसका राइट आंसर है डी नंबर, माता पिता एवं पूर्वजों से। केवल माता पिता से ही नहीं आता है, पूर्वजों से भी अनुवांशिक गुण बच्चों में या फिर बालकों में स्थानांतरण होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक विकास एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण अनुवांशिकता कहलाता है। अनुवांशिकता के संदर्भ में निम्न कथन किस विचारक का है? दोस्तों इसका राइट आंसर है सी नंबर, जेम्स ड्रेवर का कहना है ये। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का यह कथन है कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ता है? तो दोस्तों मैं इसमें डायरेक्ट आंसर बताते जाऊंगा, और यदि जिसका आंसर आपको मालूम होगा वे कमेंट में करते जाइएगा, और कितना ये आंसर आपका सही हो रहा है यह भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, टकडेल। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। बी नंबर है वंशानुक्रम। यहाँ पे दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ते रहता हूँ, उस समय आप भी उसको पढ़ते रहिए और वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद में आप आंसर उसको लगाइए और देखिए वह सही हो रहा है कि नहीं। मैं यदि वीडियो का इसमें आंसर जल्दी बता देता हूँ तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। चलिए पांचवा नंबर का इसमें देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर अनुवांशिकता का प्रभाव है? विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट चरित्र। राइट आंसर है डी नंबर, ये सभी। अनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर है। राइट आंसर है डी नंबर, ये सभी निर्भर भी है, पूरक भी है और सहयोगी भी है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? डी नंबर, उपरोक्त सभी, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और मानसिक विकास, तीनों ही। किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है? केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी नंबर, ए और बी दोनों। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि खालिस्थान और खालिस्थान की अंतःक्रिया द्वारा होती है। इसका राइट आंसर है डी नंबर, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। बालक को जो मूल प्रवृत्तियां खालिस्थान से प्राप्त होती हैं, उनका विकास खालिस्थान में होता है। राइट आंसर है बी नंबर,
बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं उनका विकास वातावरण में होता है। बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? बी नंबर, उसके वंशानुक्रम और वातावरण। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? राइट आंसर है बी नंबर, रॉस। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां, यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर है ए नंबर, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, बच्चे वहीं पर अधिक सीख सकते हैं उसी वातावरण में जहां पर उसकी अनुभवों और भावनाओं दोनों का उचित स्थान मिले। आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग रूप स्वभाव आदि में काफी विभिन्नताएं देखते हैं, इसका प्रमुख कारण हो सकता है। राइट आंसर है ए नंबर, वातावरण का प्रभाव। यहाँ पे प्रभा लिखा है, ये प्रभाव होगा। बच्चे की अनुवांशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोच्च संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? राइट आंसर है ए नंबर, उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम खालिस्तान कहते हैं। राइट आंसर है ए नंबर, पालन पोषण। परिवेश के प्रभाव मानव के खालिस्तान और खालिस्तान दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। राइट आंसर है सी नंबर, प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत। प्रत्येक छात्र स्वयं में भिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? राइट आंसर है डी नंबर, सभी भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और वंशानुक्रम, हेरिडिटी। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? राइट आंसर है ए नंबर, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं। राइट आंसर है बी नंबर, ए और बी दोनों, वंशानुक्रम और वातावरण। आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका राइट आंसर है डी नंबर, दूषित वंशानुक्रम, दूषित सामाजिक वातावरण और दूषित परिवेश, ये सभी बाल अपराध की घटनाएं के कारण बढ़ रही है, इन्हीं कारणों से ही। विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है? राइट आंसर है सी नंबर, ए और बी दोनों, अनुवांशिकता को खालिस्तान सामाजिक संरचना माना जाता है। राइट आंसर है सी नंबर, स्थिर। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है?
राइट आंसर है ए नंबर, आँखों का रंग। निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? राइट आंसर है बी नंबर, पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। मानवीय विकास में अनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? ए नंबर है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तन है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।